हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे इस चैनल में एक नई रेसिपी के साथ। आज हम बनाएंगे अंगूर का अचार। वैसे तो विंटर की सीज़न चल रही है तो काफ़ी सारी चीज़ों के अचार हम बना सकते हैं, लेकिन आज मैंने बनाया है थोड़ा डिफरेंट सा अंगूर का अचार। तो अंगूर का अचार बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ले ली है रेड ग्रेप्स, यानी कि लाल अंगूर। ग्रीन अंगूर का वैसे तो अचार बनता है, लेकिन मैंने रेड अंगूर का अचार बनाया है। वैसे मैंने तो पूरी अंगूर ही ली है, उसे कट नहीं किया है, लेकिन अगर आप चाहे तो इस तरह से कट लगा लीजिए, दो पार्ट में कन्वर्ट कर दीजिए अंगूर को और फिर आप अचार बनाइए, ये भी अच्छा लगता है। लेकिन मैंने होल अंगूर का ही अचार बनाया है, कट नहीं लगाया है। तो यहाँ पे एक मैंने बर्तन ले लिया है, उसके अंदर मैंने धो के फिर अंगूर को सुखा दी है और उसके बाद इसका अचार बनाएंगे। तो अभी एक बर्तन में अंगूर डालने के बाद हम उसमें ऑयल डालेंगे। ऑयल हम 3 या 4 टीस्पून अभी डालेंगे और 3-4 टीस्पून हम बाद में डालेंगे। वैसे आप ऑयल कोई सा भी ले सकते हैं जो आप प्रीफर करें। ऑयल डालने के बाद हम अंगूर को अच्छे से मिक्स कर देंगे। ऑयल को पूरे अंगूर पे ऐसे कोट कर देंगे। उसके बाद हम उसमें डालेंगे 1 टीस्पून अराउंड ब्लैक पेपर पाउडर। ब्लैक पेपर पाउडर अब ऊपर से स्प्रिंकल करेंगे। और अच्छे से मिक्स कर देंगे। उसके बाद हम उसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून हींग पाउडर, वो भी ऊपर से ऐसे स्प्रिंकल कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब उसके बाद हम उसमें डालेंगे आमचूर पाउडर और ये भी हम अराउंड 1 टीस्पून डालेंगे। उसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। वैसे अंगूर का खुद का ही टेस्ट खट्टा मीठा होता है, लेकिन मैंने अचार में भी खटाई डाली है थोड़ी, आमचूर पाउडर, और उसके बाद हम इसमें शुगर भी डालेंगे तो ये खट्टा मीठा अचार बनके हमारा रेडी होगा। मैंने 1 टीस्पून आमचूर पाउडर डाला है तो मैंने 1.5 टीस्पून शुगर डाली है। अच्छे से सभी मसाले अंगूर पे कोट हो गए हैं। अब हम लास्ट में उसमें डालेंगे अचार मसाला, 2 टेबलस्पून अराउंड हमने अचार मसाला इसमें डाला है। अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब अगेन मैंने उसमें 3-2 टीस्पून अराउंड ऑयल डाला है। अब सब अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो रेडी हो गया है हमारा अंगूर का अचार। इसे आप एयरटाइट कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं और 3-4 डे तक आराम से खा सकते हैं।
अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है, यूज़फुल लगी है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसे आप अपनी फ्रेंड्स और फैमिली में भी शेयर कर सकते हैं। सी यू देन नेक्स्ट वीडियो।